राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला पूर्ववर्ती सरकार के दौरान खूब गूंजा था। जुलाई 2020 में जब सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों ने गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, तब फोन टैपिंग का जिन बाहर आ गया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कांग्रेस के कुछ मंत्रियों और विधायकों के कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उन दिनों कांग्रेस सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई थी। सरकार पर नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कराने के आरोप भी लगे थे। अब कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी उनके फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को लगता है कि अगर डोटासरा से बात की तो सरकार ट्रांसफर कर देगी। जी हां, गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के अफसर सरकार से डरे हुए हैं, उन्हें फोन टैपिंग का डर है। यही वजह है कि वे डोटासरा और अन्य कांग्रेसी नेताओं का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा और सरकार से इस संबंध में जवाब भी मांगा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।